और इस वीडियो में हम बात करने वाले एनिमल डॉक्टर या फिर वेटनरी डॉक्टर के बारे में, क्योंकि मैं खुद भी अभी वेटनरी कर रहा हूँ। जिस तरह से मैं गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज ऑफ मऊ से वेटनरी कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस तरह से इसमें स्कोप है और सैलरी कितनी होती है और एडमिशन कैसे लिया जाता है, कट ऑफ क्या होता है। तो पूरी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसको लास्ट तक देखना तभी आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेटनरी जो फील्ड है उसमें आपको किस तरह से एक्सपोजर मिलता है। देख लीजिए, जिस तरह से मैं यहाँ पर एक पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, एक तरह से पोल्ट्री जो बर्ड होती है उसका पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर पूरी तरह से कंफर्टेबल होना चाहिए एनिमल्स के साथ काम करने के लिए। और अगर आपको इस फील्ड में आना है तो मैं आपको बेसिकली बता दूं कि आपको थोड़ा सा जो है स्ट्रांग होना पड़ेगा मेंटली। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग एनिमल्स की बोन्स रखी हुई है, और यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और एलपीएम पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हार्ट्स रखे हुए हैं, जो दिल होते हैं कई सारे एनिमल्स के, कुछ कैटल का है कोई हार्ट, कोई हॉर्स का हार्ट है, कोई गोट का हार्ट है। तो इस तरह का एक्सपोजर आपको मिलता है फर्स्ट ईयर में ही, तो ये सब जो है आपको देखने मिल सकता है। तो आपको एक तरह से मेंटली स्ट्रांग होना और आपको जो है एनिमल्स की तरफ थोड़ा सा डेडिकेशन होना चाहिए, तभी आप इस फील्ड में आए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सैलरी के बारे में, तो सैलरी डिस्कस करते हैं सबसे पहले वेटनरी डॉक्टर्स की। देखिए, जब हम सैलरी डिस्कस करने जाते हैं वेटनरी डॉक्टर्स की, तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता है, क्योंकि हर जगह जहाँ पर भी एनिमल्स है वहाँ पर एनिमल डॉक्टर की ज़रूरत है। सबसे पहली जो जॉब आती है वो आती है वेटनरी असिस्टेंट सर्जन या फिर VAS बोल सकते हैं। इसकी जो सैलरी होती है ये 50,000 से 60,000 तक होती है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट एंड योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट जो जॉब आती है वो एम्स में आती है। एम्स में आप रिसर्च कर सकते हैं लेबोरेटरी एनिमल्स पे। सैलरी होती है 65,000 to 70,000। ठीक है, मैं आपको सारी सैलरी बताऊँगा। PGIMR में तीसरी जॉब आती है। PGIMR में आप जा करके काम कर सकते, वहां पर भी 40,000 से 50,000 रुपए आपको शुरू में देंगे। आपको बता दूं IAS ट्रेनिंग सेंटर में भी आपकी जॉब लग सकती है, वहां जहाँ पर भी एनिमल्स है वहाँ पर वेटनरियन की जॉब लगती है। इसी तरह एनिमल एक्सटेंशन और एनिमल एक्सटेंशन ऑफिसर जो होते हैं उनकी भी जॉब लगती है। गवर्नमेंट जॉब से सारी की सारी जॉब आपको बता रहा हूँ, और फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी जो है गवर्नमेंट जॉब लगती है वेटनरियंस की। और मैं आपको बता दूं कि किस तरह से फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है अभी बढ़ती हुई फील्ड है। और आपको मैं भी ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी कोरोना पैंडेमिक आया था उसमें भी वेटनरियंस का काफ़ी बड़ा रोल था। मैं आपको बता दूं कि NDDB में भी आपकी जॉब लगती है, और इस तरह से आपका जो डेवलपमेंट्स जितने भी होते हैं वहाँ पर आपको वेटनरियन एज अ वेटनरियन अपॉइंट करा जाता है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैप्टन की रैंक पे भी जाते हैं वेटनरियन। आर्मी में भी आप जा सकते हैं, आर्मी में वेटनरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और आपकी जो जॉब है और सैलरी है काफ़ी अच्छी होती है, 60,000 to 75,000 आपकी सैलरी होती है इनिशियली। और फिर आपको बता दूँ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर भी आप बन सकते हैं अगर आपने वेटनरी करा है तो। आपको बता दूँ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर भी हर साल अच्छी जॉब आती है, IBPS के थ्रू उसका जो है एडमिशन होता है। आपको बता दूँ जू फील्ड वेटनरियन, अगर आपको पता होगा कि आप कभी भी जू जाते हैं तो वहाँ पर एक वेटनरियन रहता है ये। और आपको बता दूँ BSF और CRPF में भी आपकी जो जॉब लगती है, क्योंकि वहाँ पर एनिमल्स का काफ़ी ज़्यादा दबदबा होता है और उनके थ्रू सारे काम किए जाते हैं। मैं आपको बता दूँ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, यहाँ पर भी आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है। हाईली रैंक होता है और काफ़ी ज़्यादा आपको इज्जत और रुतबा मिलता है अगर आपने वेटनरी करके IFS की जॉब लेते हैं तो। और एक ड्रीम होता है हर एक वेटनरियन का कि वो है इस तरह की कोई जॉब करे जिसमें उसे एक तरह से पूरी तरह से सैलरी भी अच्छी मिले और उसका रिस्पेक्ट भी पूरा हो। मैं आपको बता दूं कि कैरियर एज अ ARS या फिर एनिमल रिसर्च साइंटिस्ट भी आपको एज अ जॉब मिल सकती है। जूनियर साइंटिस्ट की जो सैलरी होती है यहाँ पर 65,000 to 70,000 होती है, और सीनियर साइंटिस्ट की सैलरी अबव 1 लाख होती है, 1 लाख के ऊपर आपकी सैलरी जाएगी। प्रोफेसर आप बन सकते हैं, प्रोफेसर अगर आप बनते हैं तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, 1 लाख प्लस सैलरी मिलती है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप देख पा रहे जेल वगैरह जो है जो पैथोलॉजी के प्रोफेसर है। मैं आपको बता दूं फार्म एडवाइज़र बन सकते हैं आप, अगर किसी का डेयरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, तो आप वहाँ पर जाकर उनको एडवाइस कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपकी जॉब लग सकती है। पोल्ट्री सेक्टर से लेकर के फार्मा सेक्टर, फार्मा क्या होता है कि कितने भी मेडिसिंस है, दवाइयाँ है, उस सेक्टर में भी आपकी जॉब लग सकती है। अच्छा खासा स्कोप है इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें जॉब नहीं लगती। पर देख लीजिए, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको थोड़ा सा अपने आपको कैपेबल बनाना होगा, क्योंकि हर फील्ड में कॉम्पिटिशन बढ़ते आ रहा है, तो हर फील्ड में आपको थोड़ा सा अपने आपको इम्प्रूव करना होगा। और आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं जिस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और एनिमल फीड इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हैं, जो भी आप अपने अगर आपके पास पैट होगा तो आपको पता होगा कि उसको जो फीड खिलाते हैं तो उसमें भी आपके एनिमल्स की एनिमल डॉक्टर की जॉब लगती है, उसको इंस्पेक्शन के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्लॉटर हाउस पता होगा तो स्लॉटर हाउस में भी फील्ड वेटनरियंस की जॉब लगती है, क्योंकि उन्हें जो है इंस्पेक्शन के लिए बुलाया जाता है, मीट के इंस्पेक्शन के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं आप, डेयरी फार्म्स और पोल्ट्री फार्म्स खोल सकते हैं अपना। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा बिजनेस स्कोप है। और अभी एक योजना चल रही है RKVY, तो ये जो योजना है रफ्तार योजना है, ये स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए है, और इसके थ्रू आप जो है अच्छा खासा एंटरप्रेन्योरशिप अपना कर सकते हैं। तो यार अब हम डिस्कस करते हैं एडमिशन कैसे लेना है। ठीक है, अब हम वो डिस्कस करेंगे।
तो यार अगर आपको वेटनरी में एडमिशन लेना है तो बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है। मैं आपको बता दूं कि आपको 12th जो है बायोलॉजी से चाहिए, और मैं आपको बता दूं कि आपको जो है वेटनरी के लिए नीट एग्जाम देना होता है अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेना है। तो अगर आपको स्टेट कोटा से एडमिशन लेना है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। सबसे पहले वेटनरी जो फील्ड है उसमें दो तरीके से एडमिशन होता है, AIPVT और स्टेट कोटा। AIPVT से क्या होता है कि आपको नीट के नंबर के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे आपको एडमिशन होता है। नीट जो एग्ज़ाम है MBBS के लिए एग्ज़ाम होती है, उसके बेसिस पे आपका नंबर पे एडमिशन होता है AIPVT में। AIPVT से आपको वेटनरी कोर्स मिलेगा। दूसरी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो है स्टेट कोटा। स्टेट कोटा में आपका जो है स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स आती है, हर स्टेट की अलग अलग एग्ज़ाम होती है अपने वेटनरी कॉलेज के लिए। तो यार स्टेट कोटा के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में अलग से एग्ज़ाम होती है MPPVFT, जो कि मध्य प्रदेश के होंगे उन्हें पता होगा कि ये एग्ज़ाम होती है। तो मैं भी यही एग्ज़ाम देके मैंने एडमिशन लिया था MPPVFT। तो हर स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम होती है, तो उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं पता, तो आपको AIPVT के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। AIPVT के थ्रू आपके जितने भी नीट में नंबर आएंगे उसके बेसिस पे आपका जो है एडमिशन होगा। मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि दो तरीके से एडमिशन हो सकता है, स्टेट कोटा और नेशनल लेवल। और स्टेट कोटा में क्या होता है कि आपका अलग से एग्ज़ाम होता है, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होता है, और जितने भी स्टेट के बच्चे होते हैं वो उसमें अपीयर होते हैं। और नेशनल लेवल में जो होता है आपका AIPVT एग्ज़ाम होता है। AIPVT का एग्ज़ाम नहीं होता है बेसिकली, अभी उसे एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है। नीट के बेसिस पे AIPVT में एडमिशन होता है। जैसे आप नीट दे देंगे तो फिर आपको AIPVT साइट पे जाएंगे आप, और AIPVT की साइट पे जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है नीट के रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, ये बेसिकली था एडमिशन कैसे ले, सैलरी डिस्कस कर ली हमने। अब मैं आपको बताता हूँ कि कट ऑफ क्या होता है। तो कट ऑफ के लिए मैंने बेसिकली अलग से पूरा वीडियो बना रखा है कट ऑफ के ऊपर, वो आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। मैं लिंक दे दूंगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरा अलग से वीडियो बना रखा है कट ऑफ पे। तो आई बेसिकली मीन टू से दैट ये वीडियो एंड हो चुका है, क्योंकि मैंने जितना भी सब कुछ था एडमिशन कैसे लेना है, कट ऑफ से लेकर के सैलरी सब कुछ डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको एक आइडिया मिला हो वेटनरी फील्ड में कितना स्कोप है और सैलरी कितना होता है। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए यार।